बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पार्ट टाइम नेत्री बताया है। दरअसल प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में चुनावी रैली के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार बताया था। प्रियंका गांधी ने कहा था कि सिंधिया ने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। 3.5 साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिए हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अहंकारी बताया। सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। पहले तो हमारे सिंधिया जी जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है, क्या है कि कदम थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में, हम यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों के तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत गुस्सा नाराजगी सब निकाल देते हैं, महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते हैं दीदी की हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रियंका गांधी के हमले के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और कांग्रेस महासचिव पर पलटवार किया। सिंधिया ने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रियंका गांधी जी पार्ट टाइम नेत्री हैं, तो इन दो परंपराओं के फर्क को समझने की उनमें क्षमता हो इसकी आशा मैं नहीं करता। किस परिवार के सपूतों ने अफगानों से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक से भारत माता की रक्षा हेतु अपनी जान की कुर्बानी दी थी, और किसने चीन से भारत की रक्षा करना तो दूर उन्हें भारतीय जमीन ही भेंट के रूप में दी थी। किस परिवार की दूसरी पीढ़ी ने सत्ता के लोभ में इमरजेंसी लगाई थी, और आज भी किस परिवार की वर्तमान पीढ़ी स्वयं विदेशी मंचों पर जाकर देश को बदनाम कर रही है। काबिलियत को कद से तोलने वाले अहंकार का पाठ पढ़ाने से पहले कृपया स्वयं आईने में झांक लें। भ्रष्टाचारियों और वादा खिलाफियों के शासन को बार बार सिंधिया परिवार ने बदला है, और पुनः आपका सुपड़ा साफ मध्य प्रदेश से जनता करने जा रही है। अपने भाषण के दौरान ग्वालियर चंबल को ग्वालियर चंबा कहने वाली प्रियंका गांधी जी को मेरे परिवार पर आक्रमण करने के लिए भी एक पर्चे पर लिखी लाइनों की आवश्यकता पड़ी। उनकी सोच और ग्वालियर चंबल को लेकर समझ कितनी है इसका अंदाजा भी लग गया। ग्वालियर चंबल की मेरी जनता से अनुरोध है कि इस अपमान और निम्न स्तर के भाषण का उत्तर जरूर 17 नवंबर को अपना मतदान करके दें और कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएं। गौरतलब है कांग्रेसी नेता सिंधिया को लगातार गद्दार बताते हैं, जबकि सिंधिया भी कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं। अब सिंधिया ने सीधे प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।